नमस्कार दोस्तों, आईटीएन पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, और इस रिक्रूटमेंट के तहत कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस इनवाइट किया गया है एप्लीकेशंस। और इसका डेट्स इस तरीके से है, फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1/9/2023 टू 30/9/2023 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 30/9/2023 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट है 30/9/2023 है। एंड करेक्शन विंडो विल ओपन बिटवीन 3/10/2023 टू 4/10/2023। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है 2/12/2023। इसमें ये कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको दे रखी है। इस एग्जामिनेशन में बेसिकली एक तो कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और सेकेंड फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PEMT होगा, जो इसके अंदर विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस इन दिल्ली, और रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय SSC। फिर जनरल इसमें आपको कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, आप इसके थ्रू गो थ्रू बोलें। पे स्केल जो रहेगी L3 रहेगी, 21,700 टू 69,100 रहेगी। वैकेंसीज की डिटेल इस प्रकार है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल टोटल 4,453 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इसमें एक्स सर्विसमैन अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज है जो 266 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इसमें भी इंक्लूडिंग बैकलॉग है, 337 पोस्ट है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल है इसमें 2,491 पोस्ट है, टोटल 7,547 पोस्ट है। और सभी कैटेगरीज का रिजर्वेशन वाइज इसमें दिखा है, तो जो कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपनी कैटेगरी को इसमें चेक कर लें। 10% इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन भी दे रखा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा, तो एक बार आप इससे गो थ्रू हो लें। एज लिमिट आपको दे रखी है 18 से 25 ईयर्स है, एज ऑन 1/7/2023। और आपको ब्रैकेट भी दे रखा है जिसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ फॉल करनी चाहिए, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है, तो आप इसमें चेक कर लें कि आपकी कैटेगरी में अगर आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो कितना ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। फिर कुछ जनरल इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है, वो आप इसमें गो थ्रू हो लें। ये डिटेल के अंदर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसके अंदर एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड भी आपको डेफिनेशंस दी गई है, उसको भी चेक कर लें अगर आप एक्स सर्विसमैन में बेनिफिट लेना चाहते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से आपके कास्ट सर्टिफिकेट और फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यूज होने चाहिए, तो जो इन्होंने डिफाइन कर रखा वैसे ही चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन आपको एज ऑन 30/9/2023 चाहिए, जिसमें 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, और सम कंडीशन में रिलैक्सेबल भी है, 11th पास हो सकते हैं आप, जिसमें ये आपको दो कंडीशंस दे रखी है। आपको मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB एज ऑन द डेट ऑफ PE and MT। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। तो ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इन जनरल इंस्ट्रक्शंस से गो थ्रू हो लें, और जिस तरीके से आपको जो रिक्वायरमेंट दे रखी है वो आप चेक कर लें अच्छी तरीके से। इसके अंदर आपको जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट दे रखी है 30/9/2023 होना चाहिए, जो आपकी क्लोजिंग डेट है। इंसेंटिव दिया गया है NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को, जिसके अंदर NCC C है 5% रहेगा, NCC B 3% और NCC A सर्टिफिकेट को 2% ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स है, वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी विच विल बी एट द फॉलोइंग स्केल्स। ये इसमें आपको जो है इस क्वालिफिकेशन में किस कैडर के अंदर कितना परसेंट आपको मार्क्स में रिलैक्सेशन रहेगा वो यहाँ दे रखा है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है SSC.NIC.IN वेबसाइट पे जाके, और फिर इसमें जो भी एनेक्सर्स है वो कम्प्लीटली फुलफिल कर दें। यहाँ फॉर्म सैम्पल फॉर्म भी दे रखे हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के नीचे, और आप इन इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से चेक करके फिर आप अप्लाई करें। 100 रुपीज़ फ़ी पेएबल है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन भी है कुछ कैटेगरीज को, तो आप उसको चेक कर लें कि कौन सी कैटेगरी को रिलैक्सेशन है। आप ऑनलाइन
पे कर सकते हैं भीम ऐप, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा कार्ड से, मेस्ट्रो कार्ड से, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। लेकिन एक बार पेमेंट किया गया आपको वापस नहीं मिलेगा। करेक्शन विंडो रहेगी 3/10/2023 टू 4/10/2023। अगर कुछ आपसे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलग अलग रीजन्स के अंदर दे रखे हैं, तो आप जिस भी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन में अपना एग्जामिनेशन सेंटर दे दें, या आप जहाँ पे अपीयर होना चाहते हैं वो चेक करके इसके अंदर अकॉर्डिंगली अच्छी तरीके से भरें आप। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में आप करेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहें और आपको ना मिले। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी, एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन थ्रू दिस नोटिफिकेशन। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आर टेंटेटिव एंड दीज मे बी चेंज्ड बाय द कमीशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो रहेगा वो 100 क्वेश्चंस का रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस ये रहेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेगा, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली हम रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स है, इसके भी वीडियोज़ IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। फिर कंप्यूटर के फंडामेंटल नॉलेज का 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स रहेगा। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो आपको देख लें। सिलेबस आपको दे रखा है किस किस टाइप का सिलेबस रहेगा, कौन कौन से सेक्शंस में, वो आप इससे गो थ्रू हो लें। और पेपर जो रहेगा वो आपका मेट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा, और PE एंड MT टेस्ट जो है दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी, उसके स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं तो आप अपना उसमें चेक कर लें। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स यहाँ दे रखे हैं, वो भी आप चेक कर लें। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप इसमें चेक कर लें। और स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स भी दे रखे हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ चेक कर लें। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है वो सभी यहाँ पे दे रखे हैं, आप चेक कर लें। एडमिशन टू एग्जामिनेशन है, आप रजिस्टर जो करेंगे वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है सर्टिफिकेट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ये ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स जो है वो ये आपके डॉक्यूमेंट्स अलाउड है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल में प्रोड्यूस करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जिनका आपने बेनिफिट लिया है वो आपको बताने होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, वो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, फिजिकल PE एंड MT टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा। ऑल कैंडिडेट्स हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एंड कमीशन विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड मोड ओनली। एडमिशन सर्टिफिकेट्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न SSC रीजनल ऑफिसेस। मीडियम हिंदी या इंग्लिश हो सकता है, और इसके लिए आपको मिनिमम शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है जो आपको फुलफिल करना होगा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन और मेरिट लिस्ट, ये आप गो थ्रू हो लें और इनसे चेक कर लें। टाइप की से अगर आपको इक्वल नंबर आते हैं तो उसमें टाइप केस में कैसे ये हैंडल करेंगे वो भी दे रखा है, और आपको जो मिसकंडक्ट में काफ़ी आपके लिए पनिशमेंट है जो डिटेल में दे रखा है, तो आप इससे अवॉइड करें किसी भी सूरत में, इसमें जो है नहीं जाएं। फिर कमीशन का डिसीजन ऐसे केस में फाइनल रहेगा। कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन भी डिफाइन कर रखा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इससे गो थ्रू हो लें और टाइमली जो है आप अप्लाई कर दें। फिर भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो आप इन नंबर्स पे जो है फ़ोन कॉल करके 9:30 to 6 PM के बीच में आप जो है क्वेरी के लिए पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके अनेक्सेस दे रखे हैं, जो अनेक्सेस आपके रिलेवेंट है वो आप चेक कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है वो इसका बेनिफिट ले सकें। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कंटिन्यूसली IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को विजिट